Hello everyone. So in this class we are going to talk about the internal architecture of 8085 microprocessor. Now we have already seen the external architecture, that is Venn diagram of 8085 microprocessor, and for that you need to watch the previous video. And in this lecture we are going to talk about the internal architecture. Okay, so first of all let's try to understand the external architecture a little bit, and that is ki usme jo pura ka pura IC tha aapka, जो 8085 आईसी था आपका, प्रोसेसर जो था आपका 8085, वो कितने पिन की आईसी थी? 40 पिन्स की आईसी थी, ठीक है ना, 40 पिन्स की हमारी आईसी थी। अभी जो 40 पिन्स था, इसका हम कैटेगराइजेशन कैसे कर रहे थे? हमने क्या करा था कि सबसे पहले कैटेगराइजेशन करा था एड्रेस, ठीक है ना, एड्रेस बस पिन्स किया था, एड्रेस बस पिन्स। आपको याद होगा एड्रेस बस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, पहला लोअर ऑर्डर एड्रेस, क्या किया था हमने, लोअर ऑर्डर, ठीक है, और दूसरा क्या था, प्लस हायर ऑर्डर, हायर ऑर्डर। अब जो लोअर ऑर्डर एड्रेस था, इसको हमने क्या किया था, मल्टीप्लेक्स किया था, मल्टीप्लेक्स्ड विद व्हाट, मल्टीप्लेक्स विद डेटा बस के साथ, ठीक है ना, तो मल्टीप्लेक्स किया था। तो ये आपको याद होगा, ये था हमारा हो गया था क्या, बन के एड्रेस और डेटा को हमने मल्टीप्लेक्स किया, तो हो गया था AD0 to AD7 हो गया था, ठीक है। और जो हायर ऑर्डर एड्रेस है उसको हम क्या लिख रहे थे, A8 to A15, ओके। तो ये टोटल पिन्स कितनी हो जाएंगी, 16 पिन हो जाएंगे, ठीक है ना, कितने पिन हो जाएंगे, टोटल 16 पिन्स, ओके। ध्यान रखो कि इसमें हमारा डेटा बस पिन्स भी आ जाएगा, डेटा बस पिन्स, ये कहाँ पे है, इसी वाले में है, ठीक है ना, ये आपका जो D0 to D7 है, जब मल्टीप्लेक्स होगा तो ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो एड्रेस बस पिन्स का जो लोअर ऑर्डर है, ये मल्टीप्लेक्स किसके साथ होता है, डेटा बस पिन्स के साथ, ओके, ये आपको अब ध्यान में रखना है, ओके। नाउ ये हमारा फर्स्ट कैटेगराइजेशन था, सेकंड हमारा था, थर्ड में हमने, ठीक है, थर्ड में हमने क्या लिखा था, कंट्रोल एंड स्टेटस पिन, कंट्रोल एंड स्टेटस पिन, आपको याद होगा। अब स्टेटस पिन में आपको पता है, सिंपली मैंने बताया था S0 और S1, ओके। अब कंट्रोल पिन्स में क्या था हमारा, रीड के लिए RD बार था, राइट के लिए WR बार था, और जब हम को पता करना है कि जो एड्रेस, जो मल्टीप्लेक्स एड्रेस और डेटा बस है उस पर क्या है, उसके लिए हमारे पास क्या था, ALE था, याद होगा आपको, ठीक है ना, कौन सा सिग्नल था हमारे पास, ALE था, ठीक है, याद है ना। उसके लिए, उसके बाद हमारे पास क्या था, एक और सिग्नल था, इनपुट आउटपुट और मेमोरी बार, ओके। ये किस लिए यूज हो रहा था, कि हमको पता करना हो कि कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, सपोज करो मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन चल रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, किसके लिए, मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन के लिए, मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन। और वन किसके लिए होगी, इसकी वैल्यू, ये जो इसकी वैल्यू है वन कब होगी, ये जब होगा तुम्हारा इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट रिलेटेड ऑपरेशन, ओके। तो इसके लिए हमारे पास ये वाला पिन था, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ये कितने टोटल पिन है, ये टोटल पिन है हमारे 6 पिन्स, ओके। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हमारे पास फोर्थ जो कैटेगराइजेशन था वो था सीरियल इनपुट आउटपुट वाला, सीरियल आयो। इसमें हमारे पास दो पिन था, कौन सा, SID था, सीरियल इनपुट डेटा, और दूसरा था हमारा SOD, ठीक है। ये कितने पिन हो गए, टोटल 2 पिन्स, ओके। फिफ्थ कैटेगराइजेशन हमारे पास क्या था, एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल, एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल। अब देखो इसमें हमने क्या करा था, मेनली एक तो हमारे इंटरप्ट्स थे, तो इंटरप्ट्स को लिख लो आप। इंटरप्ट में सबसे पहले जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी थी, ट्रैप की हाईएस्ट प्रायोरिटी थी, ट्रैप, फिर RST 7.5, फिर RST 6.5, फिर RST 5.5, ठीक है, फिर एक और था INTR था, फिर INTA बार था, ठीक है। ये हमारे तो इंटरप्ट्स के लिए हो गया। कई बार एग्जाम में आता है कि हाउ मेनी इंटरप्ट्स आर देयर इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर, ओके, तो आपके कितने इंटरप्ट्स हैं, 1 2 3 4 5, ओके, तो 5 कितने इंटरप्ट्स हैं 8085 में, 5 हैं। लेकिन सपोज करो 5 ऑप्शन में नहीं है, तो ये भी जो पिन है ना इंटरप्ट से रिलेटेड ही है, INTA बार जो है ना, ये क्या करता है, इंटरप्ट को एक्नॉलेज करता है, कौन से इंटरप्ट को एक्नॉलेज करता है, ये जो INTR वाले इंटरप्ट को। तो कई बार क्या होता है, अगर 5 ऑप्शन में नहीं है तो आपको कहाँ टिक करना होगा, 6 पे टिक करना होगा, ये ध्यान रखना, याद कर लेना, बहुत बार ही आता है एग्जाम में, ओके। तो
जनरली 8085 में कितने इंटरप्ट्स होते हैं? पांच इंटरप्ट्स होते हैं, फाइव इंटरप्ट्स आर देयर इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर। हाईएस्ट प्रायोरिटी इज ऑफ ट्रैप एंड लोएस्ट प्रायोरिटी इज ऑफ INTR। ओके, आपको हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी बता रखा है। तो ये तो हमारा इंटरप्ट्स हो गया। उसके अलावा हमने क्या बताया था कि एक होता है कौन सा ऑपरेशन, DMA ऑपरेशन, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। उसमें दो पिंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके लिए, एक तो होता है होल्ड, याद होगा मैंने बताया था, फिर उसका एक्नॉलेज करने के लिए HLDA होता है, ठीक है ना। ठीक है, होल्ड हो गया HLDA, शायद HLDA बार होता था, देख लेना एक बारी इसको, ठीक है, होल्ड HLDA बार। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, एक्सटर्नल एसिड सिग्नल रेडी होता है, ठीक है ना। रेडी किसके लिए यूज होता था, ठीक है, रेडी किसके लिए यूज होता था, जब हम स्लो पेरिफेरल को हाई स्पीड प्रोसेसर के साथ इंटरफेस कराते हैं तो, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, वेट स्टेट इंट्रोड्यूस कर देता है माइक्रोप्रोसेसर सिस्टम में, उतने देर के लिए प्रोसेसर वेट करता है फिर ट्रांसमिट करता है। अगर वैसा नहीं करेगा तो क्या होगा, हाई स्पीड, अगर हाई स्पीड से डेटा ट्रांसमिट करता रहेगा और उसके जो IO डिवाइसेस हैं उसके रिसीव करने की जो कैपेसिटी है वो लोअर है, तो क्या करेगा वो, फिर डेटा को डिस्कार्ड करता जाएगा, ठीक है ना, बफर साइज इंक्रीज हो जाएगा। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए रेडी क्या करता है, इंटरफेसिंग के लिए यूज होता है। कहाँ पे इंटरफेसिंग के लिए, जो स्लो पेरिफेरल को हाई स्पीड माइक्रोप्रोसेसर के साथ। ओके, ये हमारा रेडी हो गया। इसके अलावा हमारे पास दो और सिग्नल थे, एक था हमारा रीसेट आउट, ठीक है ना, रीसेट आउट था, और एक था रीसेट इन बार, रीसेट इन बार। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, रीसेट आउट था और रीसेट इन बार था। ओके, तो हमारे पास टोटल कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो इसमें कितने टोटल पिन हो गए, 11 पिन्स। ओके, फिर जो हमारा सिक्स है, सिक्स वाला क्या है, पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी पिन, पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस करा था, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास क्या होता था, X1 था, X2 था, इसके बीच में हम क्या कनेक्ट करते हैं, क्रिस्टल कनेक्ट करते हैं। ओके, क्रिस्टल कनेक्ट करते हैं कितने का, जैसे मान लो 3 MHz का प्रोसेसर है तो कितने MHz का क्रिस्टल कनेक्ट करेंगे, 6 MHz का। आपको मैंने बताया था डिटेल इसके बारे में क्यों ऐसा करते हैं। ओके, उसके अलावा हमारे पास इसमें एक था क्लॉक आउट, क्या था हमारे पास, क्लॉक आउट। ओके, हमारे पास क्या था, क्लॉक आउट था, और ये तो हमारे किसके पिन हो गए, फ्रीक्वेंसी वाले। पावर सप्लाई के पिन कौन कौन से थे हमारे पास, एक तो VCC था और दूसरा ग्राउंड था, ठीक है, तो ये कितने, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये कितने पिन हो गए टोटल, 5 पिन्स, ठीक है। अब हम सबको ऐड कर लेते हैं, देखो कितना हुआ, कुछ छूट तो नहीं क्या, ये 16 हो गया, ठीक है, और ये 6 हो गया, ये 6 पिन हो गए इसके, ये 16 पिन इसके हो गए, उसके बाद हमारे पास 2 पिन्स इसके हो गए, 11 पिंस इसके हो गए, और इसके हो गए 5 पिंस। ऐड करो 16 और 6, 22, 22 और 2, 24, और ये हो जाएगा 16, 40, ओके, तो टोटल आपके 40 पिंस हो गए, ठीक है। तो आपको एकदम हैंडी रहना चाहिए, सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए, जैसे आपको कोई भी पूछे कोई भी पिन का फंक्शन, यू हैव टू जस्ट से इट। ओके, आपको ये नहीं कि सोचना है उसके बारे में, जो भी पिन का फंक्शन है आपको पूरा पता होना चाहिए। मैं मेमोराइज करने के लिए फिर से नहीं बोल रहा हूँ, बस आपको ध्यान रहना कि इतना प्रैक्टिस कर लो कि ऑटोमेटिकली आपके प्रैक्टिस में ही आ जाए, ठीक है ना, कोई आपको रटना ना पड़े, क्योंकि ये बार बार आएगा, अगर नहीं एक बार ही देखोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और यहाँ ही नहीं, जितने भी एग्जाम दोगे आप, यहाँ के बाद JEE वगैरह का एग्जाम दोगे, उसमें बार बार रिपीट होता रहेगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये आपको ये सारा चीज़ बहुत ही हैंडी होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा क्या था, हमारा 8085 का एक्सटर्नल आर्किटेक्चर था, ठीक है। देखो हमने इसको वेट, इसका जो हमने पिन डायग्राम था उसका हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, वेट हम प्रीवियस लेक्चर पे पहुंचते हैं। तो इस ये बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ना कि एकदम हैंडी हो जाए आपके लिए। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है, और एक बार आप पढ़ लोगे तो फिर आगे इसमें बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं तो फिर बार बार ये परेशान करेगा, ठीक है। तो ये देखो, ये जो पिन डायग्राम है आपका, ये देखो, ये एग्जाम में कभी कभी आता है कि ये पिन डायग्राम ऐसे आप याद करो, ठीक है, 1, 2, 3 ऐसे करके याद करो, ठीक है। तो ये वो आप एग्जाम से पहले 2-3 दिन प्रैक्टिस कर लोगे तो आ जाएगा, ठीक है। मैं इसका फेवर नहीं करता हूँ कि आप बैठ के पिन पे याद करो कि एक पे क्या था, दो पे क्या था, ठीक है, लेकिन आप एग्जाम से पहले प्रैक्टिस कर लोगे तो आ जाएगा, ठीक है। बहुत लोग इसको गाना वाना बना के याद करते हैं तो वैसे देख के, ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो, बट अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है
कि आप बैठ के ही याद करते रहो कि पिन डायग्राम कैसे ये करना है। ध्यान रखो ए वाला इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास 21 इनवर्ड और आउटपुट, आउटवर्ड वाला मैंने आपको बताया था कि पिन्स कितने कितने होते हैं, इनवर्ड कितना पिन होता है और आउटवर्ड कितना पिन होता है। ओके और ए वेट सॉरी वन सेकेंड, तो इसको अगर हम जो होल्ड होता है ना एच एल डी ए, यहाँ पे हमने इसको करेक्ट कर देना है, एच एल डी ए बार नहीं होता, होल्ड जो है वो आपका एक्टिव हाई सिग्नल है। एक्टिव हाई एक्टिव लो ऑलरेडी हमने बता दिया था आपको, एक्टिव लो का मतलब कि जो कि लॉजिक 0 पे एक्टिवेट होता हो, एक्टिव हाई का मतलब लॉजिक 1 पे एक्टिवेट होता हो। लॉजिक 1 और 0 का मतलब आपको पता ही है, ठीक है ना, ये आपका एच एल डी ए बार ना होके एच एल डी ए ही है। ओके ये आपको ध्यान रखना है एच एल डी ए। ओके तो इसको आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन था, सॉरी एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन था। अब हम चलते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या क्या होता है। ओके तो इसके लिए हमारे पास ये वाला डायग्राम है। ये देखो ये डायग्राम ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। मैं पिन डायग्राम का फेवर नहीं कर रहा हूँ, पिन डायग्राम आपको याद हो ठीक है, वो लास्ट में आप याद कर लेना, लेकिन ये आपको हमेशा याद रहना है, ठीक है। अगेन ये मुझे याद है, मुझे भी याद है, मेरे प्रैक्टिस में है, लेकिन मैंने इसलिए यहाँ बनाया क्योंकि टाइम लगेगा इसको बनाने में। तो अगर आई थिंक मुझे याद हो सकता है, मैं बहुत लेजी आदमी हूँ, मुझे याद हो सकता है, तो आपको भी याद हो सकता है, ठीक है। तो इस डायग्राम को आप याद कर लेना, मेरी एक बात मानना, ये आपके हर जगह काम आएगा। ओके तो पहली बात कि अगर कभी भी कोई भी चीज़ आएगा तो इससे रिलेटेड ही आएगा, अगर 8085 में पूछेगा तो इससे मैं आपको सारे ब्लॉक्स हैं, सब सारे पिन्स हैं, सारे पिन डिटेल। तो जितने हमने पिन एक्सटर्नली अभी देखे थे वो सारे पिन्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, देखो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटरप्ट के मैंने कितने पिन देखे थे, 6 पिन देखे थे। ओके जिसमें आपको मैंने बताया था कि आई एन टी ए बार एक इंक्लूड हो जाता है, ठीक है, जो एक्नॉलेज करता है। तो देखो सबसे पहले देखो ये पूरा जो जो डायग्राम है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल इंटरनल आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर ऑफ 8085। तो ये हमारा पूरा इंटरनल आर्किटेक्चर है। अब देखो इसमें क्या क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें ना, कि देखो इसमें हम क्या करते हैं ना, सेक्शन बाय सेक्शन पढ़ेंगे। ओके सेक्शन बाय सेक्शन इन द सेंस क्या है कि सबसे पहले इसमें देखो क्या है कि आपको कुछ फेमिलियर चीज़ें लग रही होंगी जो हमने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं ना, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्यूमुलेटर से, ठीक है। अब देखो अब जो एक्यूमुलेटर जो पार्ट है ना, ठीक है, ये एक्यूमुलेटर है और जो ए एल यू है, ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग वन बाई वन इसको करेंगे, फिर इसके जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, इसका सारा फंक्शन हम लोग देखेंगे, फिर इस डायग्राम पे आएंगे एक बार और। ओके तो ए डायग्राम हम बीच में आपस में स्विच करते रहेंगे जब भी हमको जरूरत होगा। ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहली चीज की जो भी हमारा इंटरनल आर्किटेक्चर है, इंटरनल आर्किटेक्चर, ओके अब इस इंटरनल आर्किटेक्चर में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एएलयू से, ठीक है। एक्यूमुलेटर भी इसके बाद देखेंगे, इसी में इसी के साथ पढ़ेंगे हम लोग एएलयू, ठीक है। एएलयू का मतलब क्या होता है, ये होता है अरिथमेटिक, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है। ये तो पता है हम सबको कि क्या होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब देखो क्या करता है एएलयू, क्या करता है एएलयू, क्या करता है कि सारा का सारा जो लॉजिकल और अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो परफॉर्म करता है। क्या करता है कि सारा का सारा जितने भी आपके अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस हैं, ठीक है ना, परफॉर्म्स परफॉर्म्स ऑल द अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस, ठीक है। अब अगेन अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस का मतलब क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेशन का एग्जांपल बताओ आप, अरिथमेटिक ऑपरेशन का एग्जांपल क्या है, जैसे मान लो कि सपोज करा ऐड करना हो, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट करना हो, ठीक है, एग्जांपल अरिथमेटिक ऑपरेशन के। ऐसे लॉजिकल ऑपरेशन क्या क्या होते हैं, और करना हो, एंड करना हो, ठीक है, नॉट करना हो या फिर कॉम्प्लीमेंट करना हो, नॉट करना हो, ठीक है। ये सारे ऑपरेशन किसके एग्जाम्पल हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन के एग्जाम्पल है। ओके तो सारा का सारा ये ऑपरेशन कहाँ परफॉर्म होगा, एएलयू में परफॉर्म होगा। ओके ठीक है अब देखो एएलयू में तो ये सारा का सारा ऑपरेशन परफॉर्म हो गया।
अब जो रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट हमेशा कहाँ रहता है? एक रजिस्टर होता है, उसका नाम होता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेट का मतलब ही पता होगा आपको, ठीक है ना, टू कलेक्ट समथिंग। ओके, मान लो कोई चीज इकट्ठा करते हैं ना, उसी को हम एक्यूमुलेट बोलते हैं, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर क्या करता है कि जो रिजल्ट है ना उसको आप मतलब होल्ड करता है। जो भी रिजल्ट आता है, कोई भी ऑपरेशन, जैसे मान लो कि आपने दो नंबर को ऐड करा, जैसे मान लो कि दो नंबर को ऐड करा, ए प्लस बी, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो रिजल्ट होगा ना हमेशा किस में आएगा, ए में आएगा। ध्यान रखो कि जब भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसमें, जैसे मान लो कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो उसमें जो एक जो वन रजिस्टर होगा ना जिस पे ऑपरेशन, वो मैक्सिमम टाइम पे, मतलब काफी टाइम पे ऐसा होगा कि वो एक जो रजिस्टर होगा ना वो एक्यूमुलेटर होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें क्या हो रहा है कि जो एक्यूमुलेटर जो है, एक रजिस्टर है, रजिस्टर का मतलब क्या होगा, ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है। इसमें देखो हम लोग बता रहे हैं, देखो जो यहाँ पे एक्यूमुलेटर है ना, 8 बिट का रजिस्टर है। कितने बिट का रजिस्टर है? 8 बिट का, ठीक है। तो मतलब क्या करेगा, 8 बिट डेटा को एक साथ होल्ड कर सकता है। अब 8 बिट का रजिस्टर होगा तो मैंने बताया था रजिस्टर क्या होता है, ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप होता है। और ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप का मतलब क्या है कि एक फ्लिप फ्लॉप कितने बिट को होल्ड करता है, 1 बिट को होल्ड करता है। तो इसमें कितने फ्लिप फ्लॉप से बना होगा, 8 फ्लिप फ्लॉप से बना होगा, ठीक है ना, 8 फ्लिप फ्लॉप का यूज करके बना होगा। तो ये कितने बिट को होल्ड करेगा, 8 बिट को होल्ड करेगा। ओके, अब ये क्या करता है ना कि जो कुछ भी रिजल्ट होगा किसमें, किसका, एएलयू का, उसको क्या कर रहा होगा, होल्ड कर रहा होगा एक्यूमुलेटर। ओके, और मैंने दूसरी चीज क्या बताई कि जब भी कोई ऑपरेशन होता है, जैसे मान लो मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ ए प्लस बी, ठीक है, तो ए जो होता है ना, जो मतलब जिन दो नंबर्स पे ऑपरेशन हो रहा है या फिर जिन दो रजिस्टर्स पे ऑपरेशन हो रहा है, उसमें एक रजिस्टर क्या होता है, एक्यूमुलेटर होता है। और जो रिजल्ट जो इसका आएगा वो कहाँ आएगा, एक्यूमुलेटर में ही आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे ए प्लस बी हो के ना, आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसको रजिस्टर बी में ट्रांसफर कर दो, ठीक है, मतलब डायरेक्टली रजिस्टर ए में, बी में नहीं जाएगा। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रजिस्टर ए में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एक्यूमुलेटर रिजल्ट को स्टोर कर रहा है। तो जब ए प्लस बी ऑपरेशन है, इसका रिजल्ट क्या होगा, जो भी रिजल्ट होगा कहाँ स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में होगा। अब इस एक्यूमुलेटर के रिजल्ट को अगर सपोज करो आपको रजिस्टर बी में चाहिए, तो वहां पे बी में ट्रांसफर करोगे। आप चाहो कि डायरेक्टली बी में आए तो ये पॉसिबल नहीं है इस इंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ही कह रहा हूँ कि जो भी अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन है, ठीक है, उसका रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होता है, एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है, ठीक है। और क्या होता है कि जो जिस जिन दो नंबर्स पे या फिर जिन दो रजिस्टर्स पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है, उसमें एक जो रजिस्टर होता है वो क्या होता है, हमारा एक्यूमुलेटर होता है। अब बाकी का दूसरा है, बी की जगह पे सी हो सकता है, डी हो सकता है, ई हो सकता है, एच हो सकता है, ऐसे हम देखेंगे सारे रजिस्टर्स, ठीक है ना। तो एक्यूमुलेटर क्या करता है, रिजल्ट्स को होल्ड करता है, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा एक्यूमुलेटर एक ब्लॉक हो गया, ठीक है, ए एल यू। अच्छा, ए एल यू के लिए एक और चीज़ मैंने बताई थी कि ए एल यू हमेशा क्या डिसाइड करता है कि माइक्रो प्रोसेसर का साइज कितना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि ए एल यू का साइज है 8 बिट, इट मीन्स कि माइक्रो प्रोसेसर का साइज कितना है, 8 बिट का प्रोसेसर। ओके, तो एक क्लियर हो गया दोनों चीज़ें। उसके अलावा ना हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट रजिस्टर्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है ना, रजिस्टर्स। देखो इस डायग्राम में ये एक्यूमुलेटर के अलावा भी आप देख रहे हो, ए रजिस्टर है यहाँ पे, टेम्परेरी रजिस्टर है, डब्ल्यू है, जेड है, ये भी दोनों टेम्परेरी रजिस्टर्स हैं, बी सी, ये सारे रजिस्टर्स हैं आपके 8 8 बिट के, देख रहे होंगे। ये 16 बिट का रजिस्टर है, फिर 16 बिट का है, फिर तो इसको हम लोग ना वन बाई वन देखते हैं, ठीक है। जितने भी रजिस्टर्स आपको दिख रहे हैं, रजिस्टर्स का अगेन, रजिस्टर मीन्स क्या, रजिस्टर मीन्स क्या, ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप से रजिस्टर बनता है। और एक फ्लिप फ्लॉप कितने बिट को स्टोर करता है, 1 बिट को स्टोर करता है, हमेशा याद रखना। एक फ्लिप फ्लॉप कितने बिट को स्टोर करेगा, 1 बिट को स्टोर करेगा। ओके, अच्छा, अब मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप होगा तो 2 बिट को कर लेगा, क्योंकि उसमें दो फ्लिप फ्लॉप यूज होते हैं, आपने पढ़ा होगा डिजिटल में। एनीवेज, तो एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट को स्टोर करता है, ठीक है ना। सो अगर सपोज करो 8 बिट को अगर स्टोर कराना हो तो कितने फ्लिप फ्लॉप होंगे, 8 फ्लिप फ्लॉप्स होंगे। ओके, तो ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब हम फिर से आते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास रजिस्टर्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे, ठीक है। अब देखो क्या है कि रजिस्टर्स को ना, इन जो जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स है ना, इसको हम कैटेगराइज करते हैं। तो अगर हम रजिस्टर को डिटेल में देखें, जो भी रजिस्टर्स है ना, रजिस्टर्स, अब उन रजिस्टर्स को हम कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, दो कैटेगरी में मेनली, ठीक है। इन दो रजिस्टर्स को हम लोग टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो पहला जो कैटेगरी है ना, इसको बोलते हैं हम लोग यूजर एक्सेसिबल, यूजर एक्सेसिबल वेट, पहला कैटेगरी जो है हमारा
वो क्या है, यूजर एक्सेसिबल रजिस्टर्स, ठीक है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं जनरल पर्पज रजिस्टर, जनरल पर्पज रजिस्टर्स, ओके। इसको ना ऐसे शॉर्ट में जी पी आर बोलते हैं। अच्छा, इसमें स्मॉल एस लगा देते हैं लास्ट में, ध्यान रखो इसको जीपीआरएस मत पढ़ना, जीपीआरएस तो दूसरा होता है, इसको जीपीआरएस पढ़ा जाता है, जीपीआरएस, ठीक है ना, जीपीआरएस नहीं पढ़ा जाता, जीपीआरएस फिर जनरल पैकेट रेडियो सर्विस हो जाएगा, तो ध्यान रखना है आपको। इसको क्या पढ़ते हैं, जीपीआरएस, जीपीआरएस का मतलब जनरल पर्पज रजिस्टर्स, ओके। अब दूसरा टाइप का रजिस्टर जो होता है उसको बोलते हैं स्पेशल पर्पज रजिस्टर, क्या बोलते हैं, स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स, ओके, स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स। तो अब देखो, अब जो जनरल पर्पज रजिस्टर होता है ना, ये कौन कौन से रजिस्टर होते हैं जिनको जनरल पर्पज बोलते हैं, देखो, वेट, जो जनरल पर्पज रजिस्टर होता है वो आपका बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, एच होता है और एल होता है। ये जो सारे रजिस्टर्स हैं ना, ये कितने बिट के रजिस्टर्स हैं, 8 बिट के रजिस्टर्स हैं। ए भी 8 बिट का है, सी भी 8 बिट का है, डी भी 8 बिट का है, ई भी है, एच भी है और एल भी है, ओके। ये कितने बिट के रजिस्टर्स हैं, आपके 8 बिट के रजिस्टर्स हैं। अब आते हैं हम लोग स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स पे। अब जो स्पेशल पर्पज रजिस्टर है ना, इसको हम लोग फर्दर कैटेगराइज करते हैं दो पार्ट में, ठीक है। अब जो स्पेशल पर्पज रजिस्टर है ना, इसको हम लोग दो पार्ट में फर्दर कैटेगराइज करेंगे। एक तो हमारा होगा यूजर एक्सेसिबल, यूजर एक्सेसिबल और एक होता है नॉट एक्सेसिबल, नॉट एक्सेसिबल बाय यूजर, ठीक है ना। यूजर का मतलब क्या, जो प्रोग्रामर है उसको एक्सेस नहीं करता है नॉर्मली। अब देखो यूजर एक्सेसिबल में आपके क्या आते हैं, यूजर एक्सेसिबल में आपके आएंगे एक्यूमुलेटर आएगा, क्या आएगा, एक्यूमुलेटर। ये कितने बिट का रजिस्टर था, हमने बताया था, अभी देखा था, 8 बिट का रजिस्टर था, क्या किसके लिए यूज हो रहा था, रिजल्ट को होल्ड कर रहा था। उसके बाद हमारा आता है फ्लैग, स्टेटस फ्लैग इसको बोलते हैं, तो स्टेटस फ्लैग, ठीक है ना, या फिर इसको स्टेटस फ्लैग रजिस्टर बोला जाता है, या फिर स्टेटस रजिस्टर भी बोला जाता है, ठीक है। ठीक है, ए भी आपका नॉर्मली 8 बिट का ही होता है, लेकिन उसमें से 5 बिट यूज होते हैं, देखते हैं हम लोग इसको आगे, हम लोग देखेंगे इसको, ए कितने बिट का होता है, 8 बिट का ए भी होता है। अपार्ट फ्रॉम इट जो हमारा क्या होगा नेक्स्ट यूजर एक्सेसिबल होता है स्टैक पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर, ओके। ए हम इसको लिखते हैं SP से डिनोट करते हैं इसको, और ये कितने बिट का होता है, ए होता है हमारा 16 बिट का, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। उसके बाद क्या होता है हमारा प्रोग्राम काउंटर, क्या होता है प्रोग्राम काउंटर, इसको हम लिखते हैं PC से, और ये भी कितने बिट का होता है, 16 बिट का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। आप देखो यूजर नॉट एक्सेसिबल में क्या क्या होते हैं, एक होता है टेम्परेरी रजिस्टर, इसको हम लोग टैम्प रजिस्टर्स बोलते हैं, ठीक है ना, टैम्प रजिस्टर्स, ओके। एक होता है हमारा इंटरप्ट रजिस्टर, इंटरप्ट रजिस्टर्स, ठीक है। देखो हम क्या कर रहे हैं कि हमने क्या बोला कि जो माइक्रोप्रोसेसर होता है उसमें बहुत सारे ढेर सारे रजिस्टर्स होते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, उन रजिस्टर्स को कैटेगराइज कर रहे हैं। कितने पार्ट में कैटेगराइज किया, दो पार्ट में किया। पहले कैटेगराइजेशन क्या है कि हमने उसको यूजर एक्सेसिबल जनरल पर्पज रजिस्टर बताया, ठीक है ना। ये देखो ये जनरल पर्पज रजिस्टर है लेकिन यूजर एक्सेसिबल है, ठीक है। तो ये जो जनरल पर्पज रजिस्टर्स हैं हमारे कितने बिट के हैं, मैक्स सारे जितने हैं कितने बिट के हैं, आपके 8 बिट के हैं, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है BCDEHL जो होता है वो कौन सा रजिस्टर होता है, जनरल पर्पज रजिस्टर होता है, ठीक है। स्पेशल पर्पज रजिस्टर में आपके क्या होता है, दो कैटेगरी हो सकते हैं, यूजर एक्सेसिबल भी हो सकता है और नॉट एक्सेसिबल बाय यूजर भी हो सकता है, मतलब ऐसा कि जो यूजर एक्सेस ना कर पाए। तो उसमें आपका सबसे पहले क्या होगा, एक्यूमुलेटर किसके लिए यूज होता है, रिजल्ट को स्टोर करने के लिए, ठीक है ना। कोई भी अरिथमेटिक या लॉजिक ऑपरेशन का जो रिजल्ट होगा उसको स्टोर करने के लिए यूज होता है एक्यूमुलेटर। ऐसे उसके बाद हमारा क्या होता है, स्टेटस फ्लैग रजिस्टर, वो क्या करता है, देखो अब आते हैं हम लोग स्टेटस फ्लैग का।
अब स्टेटस फ्लैग रजिस्टर क्या है, यहां पे आप देखो जो हमारा यहां पे आपको फ्लैग रजिस्टर दिख रहा है कहां पे रखा है, ELU के ऊपर रखा है। ठीक है, हमारा क्या रखा है, ELU के ऊपर रखा है फ्लैग रजिस्टर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी ELU क्या करता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, अब क्या होगा, जब भी अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा ना, तो उसको उसमें कुछ जो भी आपका सपोज करा, ये आपका ALU है, ALU का साइज कितना था, सॉरी एक्यूमुलेटर का साइज कितना था आपका, 8 बिट का था, 1 2 3 4 5 6 देख लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसको हम, ठीक है ना, ये सपोज करो आपका 8 बिट का रजिस्टर है। ठीक है, तो अब क्या होगा ना कि इस 8 बिट के रजिस्टर में कौन सा 8 बिट रजिस्टर है, एक्यूमुलेटर वाला। अब इस 8 बिट के रजिस्टर में क्या कंटेंट है, ठीक है ना, सपोज करो कि ये हो सकता है एक कंटेंट हो सकता है कि आपने सपोज करो 2 नंबर को ऐड किया, क्या किया आपने, 2 नंबर्स को ऐड किया, सपोज करो आपने क्या किया, ऐड किया ए प्लस बी ऐड किया। ठीक है, सपोज करो कि ए में आपका जो ए रजिस्टर है उसमें कितने बिट हो सकते हैं, मैक्सिमम 8 बिट हो सकते हैं। सपोज करो ए में आपका था 1 0 0 0 0 0 0 0, ओके, और आपका दूसरे में बी में क्या था आपका, सपोज करो बी में भी है डेटा 1 0 1 0 0 0 0 0 0, ओके। अब सपोज करो आप जब ए प्लस बी करोगे तो क्या होगा, ये सारे जुड़ जाएंगे, 0 0 0 0 हो जाएगा, फिर 0 0 0 1 1 कितना होता है, बाइनरी में 1 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1 0 आएगा ना, तो 0 आएगा, कैरी 1 आ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन ये कितने बिट को मैक्सिमम होल्ड कर सकता है, 8 बिट को, तो जो 1 जो कैरी आया ना, ये तो डिस्कार्ड होगा, ये तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जब भी ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा ए प्लस बी, तो क्या हुआ कि जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट कहाँ स्टोर है, एक्यूमुलेटर में स्टोर है, तो जो भी रिजल्ट होगा वो क्या इंडिकेट करेगा, सब उसमें रिजल्ट में क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेटर कंटेंट क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारा 0 0 हो गया। अब रादर देन कि हम एक्यूमुलेटर में चेक करें हर बार जा जाके, हम क्या करें, एक ऐसा इसको फ्लैग करने के लिए, फ्लैग क्या होता है जैसे जानते हो ना, झंडा, झंडा क्या करता है, इंडिकेट करता है समथिंग, ठीक है ना, स्टेटस को बताता है किसी चीज का, तो हम एक फ्लैग यूज करते हैं। सपोज कर अगर सारा 0 हो गया ना, तो एक हम इसी में फ्लैग रजिस्टर लगाते हैं जिसमें एक फ्लैग होगा 0 फ्लैग। ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, सिंपली 1 हो जाएगा। जैसे ही 0 फ्लैग 1 हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका कंटेंट है किसका, एक्यूमुलेटर का, वो क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अगेन क्या मैं कह रहा हूं, फ्लैग क्या करता है, स्टेटस शो करता है, किसका स्टेटस शो करता है, जो भी एक्यूमुलेटर कंटेंट होता है उसका स्टेटस शो करता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल लिया कि 2 नंबर्स को ऐड करने पर अगर सपोज करो 0 0 0 0 आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, एक फ्लैग में एक रजिस्टर होता है, इसको बोलते हैं फ्लैग में एक हमारा जो फ्लैग रजिस्टर है 8 बिट का, उसमें एक 1 बिट ऐसा होता है जो इंडिकेट करता है कि 0 फ्लैग है। तो 0 फ्लैग का मतलब क्या होगा, जब एक्यूमुलेटर कंटेंट 0 हो जाएगा तो वो फ्लैग सेट हो जाएगा। ठीक है ना, वो जो फ्लैग होगा वो सेट हो जाएगा। अभी हम देखेंगे कितने टाइप्स के फ्लैग हैं, कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखो अब हम चलते हैं, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना स्पेशल पर्पज रजिस्टर से। ठीक है, 1 बाई 1 इसको देखेंगे, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स। ओके, अब जो स्पेशल पर्पज रजिस्टर जो है, इसमें क्या है, सबसे पहले हमने एक्यूमुलेटर देख लिया ऑलरेडी। ठीक है, एक्यूमुलेटर क्या करता है, रिजल्ट को स्टोर करता है, जो हमने एक्यूमुलेटर ऑलरेडी देख लिया। अब हमको क्या करना है, इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कौन सा टॉपिक, एक्यूमुलेटर। तो हमने क्या करा, एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर क्या करता है, कितने बिट का होता है, 8 बिट का होता है, और स्टोर्स द रिजल्ट ऑफ एन अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस। ओके, ये क्लियर, स्पेशल पर्पज रजिस्टर में हमारा जो सबसे पहला था एक्यूमुलेटर, ठीक है ना, ये हमारा पहला था एक्यूमुलेटर। उसके बाद हमारा दूसरा आता है, वो आता है फ्लैग, वो आएगा हमारा फ्लैग। ठीक है, अब देखो फ्लैग क्या होता है, फ्लैग क्या करता है, एक्यूमुलेटर का जो भी स्टेटस है वो बताता है, एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है
वो कंटेंट कैसा है उसको इंडिकेट करने के लिए फ्लैग, फ्लैग हमेशा क्या करता है, इंडिकेट करता है कुछ, ठीक है ना। जैसे मान लो किसी चीज़ का फ्लैग है, वो कुछ इंडिकेट कर रहा होता है ना, उसका पर्पज होता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का फ्लैग है ट्राई कलर्स, तो इंडिकेट करता है सारे कलर की मीनिंग है। ऐसे ही क्या है, एक्यूमुलेटर का जो भी 8 बिट का कंटेंट है उस कंटेंट में क्या इन्फॉर्मेशन छिपी हुई है, हाई हिडन क्या इन्फॉर्मेशन है उसको इंडिकेट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, फ्लैग होता है। फॉर एग्जाम्पल जो फ्लैग होता है ना 8085 का, कुछ ऐसा होता है। ये कितने बिट का होता है, 8 बिट का ही रजिस्टर होता है। और जो इसके जो कैटेगराइजेशन 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, ये 8 बिट हो गया। अब देखो जो पहला, यहाँ से अगर हम MSB से बात करें, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से बात करें, मतलब यहाँ से स्टार्ट करें, MSB होता है ये हमारा, LSB होता है आपको पता होगा। तो यहाँ से स्टार्ट करें तो जो पहला होता है ना ये होता है हमारा साइन फ्लैग। क्या होता है, साइन फ्लैग, इसको हम इंडिकेट करते हैं एस से। जो दूसरा फ्लैग अभी बताएंगे एस का मतलब क्या है, दूसरा फ्लैग होता है उसको बोलते हैं हम लोग जीरो फ्लैग, इसको इंडिकेट करते हैं जेड से। जो तीसरा होता है ना यहाँ पे ये हमारा यूज नहीं होता है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्रॉस लिखते हैं, ठीक है ना, यूज जो नहीं हो रहा होगा। डोंट केयर कंडीशन आपने पढ़ा होगा ना, तो वही ये यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो क्योंकि पांच ही फ्लैग है हमारे पास, 8 बिट का रजिस्टर है, तो हमको तीन जो होंगे ना, तीन जो ब्लॉक हैं उसको अनयूज रखना पड़ेगा। तो पहला देखो साइन फ्लैग, दूसरा था जीरो फ्लैग, तीसरा जो होता है वो होता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्जिलरी कैरी। अभी हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, ऑक्जिलरी कैरी क्या होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया, फिर ये नेक्स्ट जो है अनयूज्ड, फिर अगला फ्लैग होता है पैरिटी। आपने पैरिटी पढ़ा होगा, इवन है ऑड पैरिटी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो ये पैरिटी फ्लैग हो गया, जो उसके बाद वाला है फिर से अनयूज्ड, और लास्ट वाला जो है ये हमारा कैरी फ्लैग, ठीक है। अब देखो इसको आपको याद करना है, कैसे याद करोगे आप, ऐसे सिंपली याद कर लो SJDC PCY, ठीक है ना। कैसे याद करना है, SJDC PCY, जहां पे भी हो वहां पे मेरे साथ बोलो क्या याद करना है आपको, SJDC PCY, क्या याद करना है, SJDC PCY, क्या याद करना है, SJDC PCY। ये आपको ऐसे याद होना चाहिए कि रात में आप सो रहे हो, अगर कोई झकझोर के पूछे उठा के कि कितने फ्लैग होते हैं, कौन कौन से फ्लैग होते हैं, तो आप तुरंत बोलो उसको SJDC PCY, ओके। आपको इतना क्विकली पता होना चाहिए। अगेन कहोगे सर रटने का बात बोल रहे हैं, देखो रटने वटने वाली बात नहीं है, ये आपका यूज आना है हमेशा, ठीक है ना। जितने हम डिस्कस कर रहे हैं एक एक चीज, ये सारा यूज आएगा, अभी पढ़ लो या फिर बाद में पढ़ो। तो अभी ढंग से पढ़ लो, बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, आराम से सोते रहना बाद में, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आएगा, घूम घूम के पूछेगा, ये पीछा नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो कैसे याद होना चाहिए, SJDC PCY। अब कहोगे कि आपने जो क्रॉस लगाया है कहीं पे भी, क्रॉस लगा दिया यहाँ पे, लगा दिया यहाँ पे, लगा दिया यहाँ पे, लगा दिया, ये कैसे याद होगा। तो इसको याद करने का ना सिंपल है, देखो वेट, अब इसको याद कैसे करोगे, पहले तो SJDC PCY आपको याद हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए याद, SJDC PCY, ओके। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है इसको कैसे याद करोगे आप, कि कहाँ पे क्रॉस लगा है कहाँ पे नहीं लगा है, ठीक है, जैसे हमने क्रॉस कर दिया, क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब देखो एक चीज ना, हम शॉर्ट तरीका बनाते हैं, देखो हम ना एक याद कर लेते हैं, एक नंबर याद कर लेते हैं D5, ठीक है ना। अब इस D5 को याद रखना है, क्यों याद करने को बोल रहा हूँ मैं, D5 याद रखोगे ना तो इससे क्या होगा, देखो D जो नंबर है ना, D5 जो हम देख रहे हैं ना, ये हेक्साडेसिमल में है, किस में है, हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल। अब हेक्साडेसिमल का मतलब क्या है, डी को हम हेक्साडेसिमल में है तो इसको अगर बाइनरी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डी का मतलब क्या होता है, देखो ए का मतलब 10 होता है, बी का मतलब 11 होता है, सी का मतलब 12 होता है, डी का मतलब 13 होता है, ठीक है, यही होता है ना, क्या होता है, 10 11 12 13, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ D5 याद करना है, तो D5 का मतलब, D का मतलब क्या होगा, D का मतलब 13, 13 का बाइनरी क्या होगा, 8 4 12 उसके बाद 1 13, 13 का बाइनरी क्या होगा, 1101 आएगा, मतलब जो D को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली 1101 लिख सकते हैं। अब 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 को हम लिख सकते हैं 0101, लिख सकते हैं ना। तो आपको ये वाला चीज याद करना है। अब देखो ये वाला चीज क्यों याद करना है, जहां पे भी वन होना तो आपने क्या याद कर रखा है, SJDC PCY याद कर रखा है, तो जहां पे वन होना वहीं पे आप लिखोगे। तो स्टार्ट कहां से करोगे, जहां पे वन है तो लिखोगे S, अगला याद क्या किया है, जेड याद किया है, अगला क्या याद किया है, पी याद किया है, तो जीरो पे नहीं लिखना है उसको, वन के लिखना है, तो पी लिख दिया। फिर अगला, सॉरी अगला क्या याद किया था हमने, AC याद किया था, फिर नेक्स्ट क्या था, पी, और लास्ट में क्या याद किया था, SJDC PCY, ठीक है। जीरो के वाले पे क्या करोगे आप, सिंपली क्रॉस लगा दोगे। तो याद हो गया, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ,
आप सिंपली D5 याद करना, D5 का बाइनरी निकाल लेना, जहां पे 1 1 है वहां पे आप रख देना। क्या रखोगे, कैसे, SJDC PCY, ठीक है ना, यहां से स्टार्ट करके SJDC PCY रख दोगे तो आपका सारे फ्लैग याद हो जाएंगे। कितने फ्लैग्स हैं, टोटल 5 फ्लैग हैं। टोटल कितने फ्लैग्स होते हैं इसमें, 8085 में क्वेश्चंस कोई पूछे कितने फ्लैग होते हैं 8085 में, बताओ, 5 फ्लैग्स होते हैं। कौन कौन से फ्लैग होते हैं, SJDC PCY। ओके, अब वन बाई वन करके इसके सारे की मीनिंग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फ्लैग है, इसको बोलते हैं हम लोग साइन फ्लैग। क्या बोलते हैं, साइन फ्लैग, ठीक है। अब साइन फ्लैग क्या इंडिकेट करता है, ठीक है, ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूँ। साइन फ्लैग क्या इंडिकेट करता है, जब भी आपका, जैसे मान लो एक्यूमुलेटर का कंटेंट है, ये हमारा एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर कितने बिट का होता है, 8 बिट का होता है, क्या करता है, रिजल्ट स्टोर करता है। तो हमारा ये सपोज करो एक्यूमुलेटर है, ठीक है ना। अब जब भी एक्यूमुलेटर कंटेंट, जो लास्ट वाला नंबर है, मतलब कौन सा, ये वाला नंबर है, इसकी वैल्यू अगर 1 होगी, ठीक है, जब भी एक्यूमुलेटर कंटेंट का जो MSB है, MSB पता है ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है, तो MSB की वैल्यू अगर 1 है, इन दैट केस क्या होगा, जो साइन फ्लैग होगा, साइन फ्लैग की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। अब देखो MSB 1 जो होता है ना, वो बेसिकली इंडिकेट करता है ना कि वो निगेटिव नंबर है। अब हम लोग निगेटिव पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट बाद में देखेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली जैसे ही S की वैल्यू कब 1 होगी, S की वैल्यू 1 होने का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो फ्लिप फ्लॉप होगा ना, अगेन फ्लैग कितने बिट का रजिस्टर था, 8 बिट का था, उसमें से कितने बिट यूज हो रहे हैं, 5 बिट यूज हो रहे हैं, SJDC PCY, 3 हमारे क्या है, अनयूज है इसमें, ठीक है ना, इन 3 A 3 अनयूज है। तो अब जो 8 बिट का रजिस्टर था फ्लैग, उसमें से आपके 5 बिट यूज हो रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या हो रहा होगा, ये जो बिट यूज हो रहा है ना, इसके अंदर फ्लिप फ्लॉप होगा, तो वो फ्लिप फ्लॉप क्या होगा, सेट रीसेट होगा अकॉर्डिंगली। सेट का मतलब फ्लिप फ्लॉप सेट हो गया, मतलब क्या हो गया, 1 पे सेट हो गया, रीसेट का मतलब 0 कंटेंट हो गया उसका, ठीक है। अब देखो, तो सपोज करा इस एस की सपोज करो कि हम कहें कि साइन फ्लैग 1 है, तो साइन फ्लैग 1 इंडिकेट क्या करेगा कि जो साइन फ्लैग है ना, ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप होगा, ठीक है ना, एस वाला जो फ्लिप फ्लॉप होगा, क्या हो रहा होगा, सेट हो जा रहा होगा। तो ये सेट इंडिकेट क्या करेगा कि जो भी नंबर है ना, वो कौन सा नंबर है, निगेटिव नंबर है, ठीक है। और निगेटिव नंबर की एक पहचान ये है कि जब भी एक्यूमुलेटर का कंटेंट, एक्यूमुलेटर रजिस्टर का कंटेंट, जो लास्ट वाला MSB है, वो क्या हो जाए, 1 हो जाए, ठीक है ना। देखो, निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है कि 2s कॉम्प्लीमेंट ले लो, ठीक है ना, क्या या ले लो, 2s कॉम्प्लीमेंट, या फिर एक क्या होता है ना, एक होता है ना, साइंड बिट लेते हैं, साइंड बिट। अब साइंड बिट क्या होता है, देखो सपोज करो कि आपको रिप्रेजेंट करना है -3 को, ठीक है, सपोज करो आपको -3 को रिप्रेजेंट करना है 4 बिट से, ठीक है। तो अब देखो, 3 को हम क्या लिखते हैं, 3 को बाइनरी में कितना लिखते हैं, 1 1 लिखते हैं, 3 होता है ना बाइनरी में, 1 1। अब 4 बिट में लिखना है तो क्या होगा, 0 0 होगा, लेकिन -3 है, तो जो लास्ट वाला बिट है ना, मतलब ये जो चौथा बिट है, वो किसके लिए यूज हो रहा होगा, वो यूज होगा ना साइन को इंडिकेट करने के लिए। माइनस जहां पे भी होगा ना, वो 1 हो जाएगा। अब देखो, मैं ध्यान से, मैं सुनो क्या कह रहा हूं, अब जो ये इंडिकेट कर रहा होगा ना, तो ये जो बिट है ना, ये किसके लिए मेयरली, ये बस इसके लिए यूज हो रहा होगा कि ये साइन इंडिकेट करेगा। अगर 1 है तो कौन सा साइन इंडिकेट करेगा, माइनस, तो चलो आपने माइनस लिख दिया। आगे 0 1 1 क्या इंडिकेट करेगा, 3 इंडिकेट करेगा, तो -3 हो गया आपका। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं। ऐसे सपोज करो आपको -4 रिप्रेजेंट करना था, तो कैसे लिखोगे, 4 का पहले बाइनरी लिख लो, तो क्या होता है, 1 0 0, और -4 है तो लास्ट वाला जो बिट है वो क्या करोगे, 1 लगा दोगे। तो ये आपका साइंड बिट रिप्रेजेंटेशन है। एक दूसरा तरीका क्या होता है निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने का, डिजिटल में 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड लेके, ठीक है। लेकिन यहां पे हम क्या कर रहे हैं, साइंड बिट रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि जब भी MSB 1 होगा, इन दैट केस आपका क्या, माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, जो इसका जो साइन फ्लैग है वो सेट हो जाएगा। साइन फ्लैग सेट होने का मतलब क्या है कि जो आपका एक्यूमुलेटर में नंबर है वो कौन सा नंबर है, निगेटिव नंबर है, ठीक है। तो साइन फ्लैग क्या इंडिकेट करता है कि जो एक्यूमुलेटर का नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है कि निगेटिव नंबर है। समझ में आया मेरी बात, नहीं समझ में आया तो हमसे पूछ लेना दोबारा। आप लोग कोई क्वेश्चन नहीं करते, मुझे पता ही नहीं चलता है कि कुछ समझ में आ रहा है, वीडियो डालते हैं, आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। मेरा देखो है ना, यहाँ पे काम ऐसा नहीं है कि आप, मैं वीडियो डाल दूँ और आपको कोई उससे फायदा ना हो, कोई इसका मीनिंग तो है नहीं। तो आपको बताना है एटलीस्ट ना कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे पता ही नहीं चलता है कुछ भी। तो एटलीस्ट थोड़ा सा इंटरेक्शन बनाओ इसमें, ठीक है, तभी मुझे समझ में आएगा, नहीं तो फिर पता ही नहीं चलता है इसमें। यार पता नहीं, रिकॉर्ड करने में बहुत मेहनत लगती है वीडियो में, ठीक है, तो क्योंकि अकेले पागलों की तरह बोलना होता है,
तो आपको ना एक बारी हमको बताना पड़ेगा ना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अकॉर्डिंगली फिर मैं उसको चेंज करूंगा अपने हिसाब से। कोई टॉपिक नहीं समझ में आया फिर कुछ मिस हो गया तो ठीक है। तो अभी देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं साइन फ्लैग की, ठीक है। साइन फ्लैग क्या करता है, इंडिकेट करता है कि जो नंबर है एक्यूमुलेटर का, ध्यान वो कोई भी फ्लैग क्या इंडिकेट करेगा, एक एक्यूमुलेटर का जो रिजल्ट है ना, एक्यूमुलेटर में जो डेटा है वो उसका स्टेटस बताएगा, हमेशा ध्यान में रखना है। तो अगर साइन फ्लैग वन हो रहा है, अगर साइन फ्लैग की वैल्यू वन होगी तो क्या इंडिकेट करेगा, जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट है वो क्या है, निगेटिव नंबर है, निगेटिव, ठीक है। और एस इक्वल टू जीरो होगा वो क्या इंडिकेट करेगा, पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना, ये पॉजिटिव इंडिकेट करेगा, ठीक है। ध्यान रखना है मतलब जब भी आपका साइन फ्लैग जो होगा सेट होगा, एस वन, एस इक्वल टू वन का मतलब क्या होता है, इसको हम लिखते हैं सेट, और ये होता है आपका रीसेट, ठीक है। तो जब भी साइन फ्लैग आपका सेट होगा इट मीन्स कि एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो क्या है, निगेटिव है, और जब भी साइन फ्लैग की वैल्यू जीरो होगी इसका मतलब एक्यूमुलेटर का कंटेंट पॉजिटिव है, ठीक है। एक किस कहाँ से कॉन्सेप्ट आया, साइन बिट रिप्रेजेंटेशन से आया है, ठीक है। तो ये हमारा एक्यूमुलेटर हो गया। नेक्स्ट हमारा जो है इसी में आता है हमारा जीरो, कौन सा फ्लैग है, जीरो फ्लैग, ठीक है। अब जीरो फ्लैग कुछ नहीं, इसको जेड से इंडिकेट कर दें। अब जीरो फ्लैग अगर वन होता है, जीरो फ्लैग वन है मतलब क्या है कि सेट हो गया, तो जीरो फ्लैग वाला फ्लिप फ्लॉप होगा सेट हो गया, इन दैट केस क्या इंडिकेट करेगा कि जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट है ना, एक्यूमुलेटर जो है उसमें क्या है, जीरो जीरो है, मतलब 8 बार 8 टाइम 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा इसको अगर हमको हेक्साडेसिमल में लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम लोग, ये बाइनरी नंबर है हेक्साडेसिमल क्या लिखते हैं, इसको 00H लिखते हैं, ठीक है ना। कैसे हम लिखते हैं ये, यहाँ से हम लोग कैसे लेफ्ट हैंड साइड से, सॉरी राइट हैंड साइड से हम क्या करते हैं, पेयरिंग करते जाते हैं फोर का जो, मतलब पेयरिंग इसको नहीं बोलेंगे हम, उसको क्वाड बोलेंगे, ठीक है ना। तो फोर मतलब एक क्वाड बनाएंगे फिर दूसरा क्वाड बनाएंगे, ठीक है। तो एक क्वाड के लिए इसको हम क्या लिखते हैं, जीरो लिखते हैं, इसके लिए जीरो लिखते हैं, फिर सिंपली एच लगा देंगे, तो क्या बनता है हेक्साडेसिमल, ये आपको पता होगा आपने डिजिटल में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अगेन जिनको नहीं समझ में आ रहा है फिर जाके पढ़ लेना एक बार डिजिटल, नहीं फिर भी नहीं समझ में आएगा तो दोबारा हमसे पूछ लेना कि ये कहाँ से आ गया, आप एक बार ही बता दो, ठीक है। देखो तो जब भी जीरो फ्लैग वन होगा वो क्या इंडिकेट कर रहा होगा कि जो एक्यूमुलेटर का रिजल्ट है ना वो क्या है, जीरो जीरो है। आपको मैंने एक एग्जाम्पल लेके बताया था कि जब हम दो नंबर ऐड कर रहे थे, देखो कहाँ गया वो, देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे जब हम दो नंबर ऐड कर रहे थे ना, ये आपका ये वन था, वेट, तो ए वाला नंबर आपका वन था और ए भी वन था, आप देखो सब जब ऐड कर रहे थे तो एक्यूमुलेटर का रिजल्ट क्या आ रहा था, इसमें एक्यूमुलेटर में जो रिजल्ट आ रहा था क्या आ रहा था, सब जीरो जीरो आ रहा था। उस टाइम पे क्या फ्लैग हो सेट हो जाएगा, जीरो फ्लैग जो होगा वो सेट हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो फ्लैग का काम क्या इंडिकेट करना है कि जो एक्यूमुलेटर कंटेंट जीरो जीरो हो गया, ठीक है। अगर जीरो जीरो, अगर सपोज करो इसकी जेड की वैल्यू जो है ये जीरो है, इसका मतलब क्या है, एक्यूमुलेटर में जो है नॉन जीरो वैल्यू है, ठीक है ना। जो एक्यूमुलेटर कंटेंट है, जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट है आपका किसके बराबर नहीं है, 00H के बराबर नहीं है, ठीक है। तब क्या होगा, जो इसका जो फ्लिप फ्लॉप होगा वो रीसेट रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया। जेड वन होगा इसका मतलब क्या हो गया, एक्यूमुलेटर का कंटेंट जो है क्या, सिंपली 00H है। और जब नॉन जीरो होगा मतलब 00H के अलावा कुछ भी होगा तो ये जो जेड जो होगा उसकी वैल्यू जीरो आएगी, ठीक है, ध्यान दो, ठीक है। तो दो चीज हो गया, कौन सा, साइन हो गया, जेड हो गया, ठीक है। थर्ड आते हैं हम लोग, देखो थर्ड क्या हमारा ए सी है, ठीक है ना। ये तो डोंट केयर है, इसका हम लोग यूज ही नहीं करेंगे, ये हमारे यूज ही नहीं होता। अब हम यूज करेंगे ए सी को, ए सी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी कैरी, ठीक है। तो हमारा थर्ड है ये है ए सी, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी कैरी, ठीक है। अब देखो ऑक्सिलरी कैरी का मतलब क्या, सपोज करो आपके पास दो रजिस्टर्स हैं, एक ए रजिस्टर है, इसका जो कंटेंट है 0010, ठीक है, और है 1000, दूसरा जो कंटेंट है 00, ठीक है, 001000। सपोज करो ये बी है, आपने एक ऑपरेशन करा, ठीक है, ऑपरेशन करोगे ए प्लस बी किया, सपोज करा आपने क्या किया, ए प्लस बी किया, तो ए प्लस बी में क्या आएगा, जीरो आएगा, जीरो आएगा, जीरो, और वन वन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और एक कैरी आएगा वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो वन आ जाएगा यहाँ पे, फिर वन आ जाएगा, फिर जीरो जीरो, ओके, यही होगा। आपने एडिशन ऑलरेडी कर रखा हो, बाइनरी एडिशन। अब देखो
जब भी हम 8 बिट का नंबर लिखते हैं ना, सपोज करो हमने 8 बिट का नंबर यहाँ पे लिखा, ठीक है, ये 8 बिट का नंबर है, तो अगर हम 4 का क्वाड बनाते हैं ना, इस क्वाड को हम लोग क्या बोलते हैं, निबल बोलते हैं, निबल, ठीक है ना। जब एक ग्रुप बना लेंगे, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निबल बोलेंगे, ठीक है। और ए भी तो मतलब एक निबल ये हो गया इस साइड वाला, और दूसरा निबल ये हो गया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, निबल क्या होता है, 4 की ग्रुपिंग होती है बाइनरी में, ठीक है, उसको निबल बोलते हैं। अगर 8 की ग्रुपिंग होगी बाइनरी में तो क्या होगा, उसको हम लोग बाइट, सॉरी बिट बोलते हैं, सॉरी बाइट बोलते हैं। जैसे 8 बिट अगर लेंगे हम एक साथ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइट बोलते हैं। और अगर हम 4 बिट एक साथ लेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निबल बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए। अब देखो, जब भी कोई भी ऑपरेशन होगा जिसमें आपका कैरी 1 निबल से दूसरे निबल में शिफ्ट हो रहा होगा, ट्रांसफर हो रहा होगा, ठीक है ना। एक निबल ए है हमारा, दूसरा निबल ए है। जब भी कैरी 1 निबल से दूसरे निबल में ट्रांसफर हो रहा होगा, इन दैट केस क्या होगा, ऑक्सिलरी कैरी की वैल्यू सेट हो जाएगी। ध्यान से सुनो, एसी इक्वल टू 1 कब होगा, जब भी निबल, जब भी कोई आप अरिथमेटिक या लॉजिक ऑपरेशन करोगे, मेनली अरिथमेटिक ऑपरेशन में ही कैरी आता है, तो जब भी कैरी मतलब अरिथमेटिक ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे होगे, अगर कैरी 1 निबल से दूसरे निबल में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना, तो क्या होगा आपका, ऑक्सिलरी कैरी की वैल्यू 1 सेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगेन एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 0 0 1 0 0 0 0 0, दूसरा 0 1 0 0 0 1 0 0, मान लो ये है 2 नंबर। आप अगर 2 नंबर को ऐड कर रहे हो और रिजल्ट आएगा तो क्या आएगा, ध्यान रखो, ये जो ए प्लस बी आएगा कहाँ स्टोर होगा, ए में स्टोर होगा। इसीलिए हम बार बार किसकी बात कर रहे हैं, एक्यूमुलेटर का, जो भी फ्लैग जो स्टेटस बताता है वो किसका स्टेटस बताता है, एक्यूमुलेटर का स्टेटस बताता है, हमेशा याद रखना है। अब देखो, अगर इन 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं तो 0 0 1 0, फिर आ जाएगा 0 1 1 0, यही आएगा ऐड करने पे। अब इसमें देखो, इसमें कोई कैरी ट्रांसफर ही नहीं हुआ ना यहाँ से यहाँ, निबल हम दोनों अलग अलग क्यों रखे हैं, क्योंकि एक निबल ही है 4 बिट का ग्रुपिंग, और दूसरा निबल ही है, ये भी 4 बिट की ग्रुपिंग है। तो अब क्या है, कैरी तो ट्रांसफर हो नहीं रहा है यहाँ से यहाँ, तो इन दैट केस जो होगा, एसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है ना। ये क्या इंडिकेट करता है, कैरी ट्रांसफर फ्रॉम 1 निबल टू अनदर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एसी 1 इंडिकेट ये करता है, एसी की वैल्यू 1, ठीक है, क्लियर। एसी 0 होगा मीन्स कि ऐसा कैरी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, समझ में आ गया एक बात, ठीक है। तो ऑक्सिलरी कैरी ये होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एसजेड एसी हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है पैरिटी। नेक्स्ट क्या है हमारा, पैरिटी, पैरिटी फ्लैग। पैरिटी फ्लैग को किससे इंडिकेट करते हैं, पी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अगेन मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं, जो फ्लैग का किसका स्टेटस बताता है, एक्यूमुलेटर का स्टेटस बताता है, ठीक है ना, आपको ध्यान हमेशा रखना है। फ्लैग किसका स्टेटस बताएगा, एक्यूमुलेटर का स्टेटस बताएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, किसकी बात करेंगे हम लोग, पैरिटी फ्लैग की। तो पैरिटी में आपको पता होगा, पैरिटी में 2 टाइप की पैरिटी होती थी, इवन पैरिटी, इवन पैरिटी, और दूसरा क्या होता था, ऑड पैरिटी, ठीक है, हम लोग पढ़े हैं इसको ऑलरेडी। अब देखो, अब जो पैरिटी है ना, पैरिटी जो फ्लैग है वो क्या करता है कि पी की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 का मतलब सेट। ये कब सेट होगा, पी की वैल्यू कब सेट होगी, जब भी एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है, एक्यूमुलेटर में क्या हो, इवन नंबर ऑफ वंस हो, ठीक है, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं। पी जो है पैरिटी फ्लैग कब सेट होगा, जब भी एक्यूमुलेटर में इवन नंबर ऑफ वंस हो। अब पी इक्वल टू 0 कब होगा, जब एक्यूमुलेटर में ऑड नंबर ऑफ वंस हो, ऑड नंबर ऑफ वंस, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज करो एक्यूमुलेटर कंटेंट किसी टाइम पे, एक्यूमुलेटर को किससे इंडिकेट करते हैं, ए से इंडिकेट करते हैं। जो एक्यूमुलेटर कंटेंट किसी पर्टिकुलर टाइम पे, सपोज करा कि है 0 1 0 0 1 0 1, ऐसे है, ठीक है। अब देखो 8 बिट है ना, 8 बिट है। अब देखो इसमें कितने वंस है, 1 2 3, तो इस टाइम पे जब भी ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा, उस टाइम पे पैरिटी फ्लैग कितना आएगा, पैरिटी की जो फ्लैग की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ऐसे ही अगर मान लो कैसे 1 1 0 0
1100, ठीक है। इन दैट केस पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ वंस कितने हैं, इवन है, 1 2 3 4, चार जो नंबर होता है वो इवन होता है, ठीक है। अब देखो, अब कहोगे कि सपोज करो सर कि मान लो कि एक्यूमुलेटर कंटेंट क्या हो गया, 0000000, कितना हो गया, 0, 8 बार 0 लिखना है हमको, ठीक है ना। सपोज करो एक्यूमुलेटर कंटेंट 0 हो गया, इन दैट केस ऑल्सो पैरिटी क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। एक्यूमुलेटर अगर सारा 0 0 भी हो जाए ना, तब भी आपको इसको एज एन इवन नंबर ही ट्रीट करना है, ठीक है, तो इसमें पैरिटी 1 हो जाएगा। ये आपका एक्सेप्शन है, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। जब भी एक्यूमुलेटर कंटेंट सारा 0 0 0 हो जाए, इन दैट केस ऑल्सो पैरिटी फ्लैग विल बी सेट, ओके। सो टिल नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सर्टेन टाइप ऑफ फ्लैग्स, कौन कौन से टाइप्स हैं हमारे पास, SZACP, ठीक है ना, यहां तक हम लोग आ गए। लास्ट हमारा जो फ्लैग है वो है हमारा CY, उसको हम बोलते हैं कैरी फ्लैग। क्या बोलते हैं? कैरी फ्लैग, इसको लिखते हैं हम लोग CY से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। कैरी फ्लैग तो बहुत सिंपल है, क्यों सिंपल है, ये भी क्या इंडिकेट करेगा, एक्यूमुलेटर का स्टेटस इंडिकेट करेगा। कैसे करेगा? तो इसके लिए क्या होगा, सिंपली सपोज करो दो नंबर हैं, फिर से दो नंबर ले रहे हैं, ठीक है ना। सपोज करो ए है हमारा 1000000, सपोज करो, सिंपल सिंपल बहुत सिंपल ले रहे हैं। बी है हमारा 1010000, जी आपने ऐड ऑपरेशन किया दोनों में, ठीक है, दो नंबर्स को ऐड कराया। तो जब ऐड कराओगे क्या आएगा, 0 0 0, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 0, 1 1 कितना होता है, 0 आएगा और कैरी 1 आ जाएगा। अब जो कैरी 1 आएगा ना, इसी को इंडिकेट करने के लिए जब भी MSB से कैरी जनरेट होता है, कहां से कैरी जनरेट होता है, MSB से। MSB कौन सा, मतलब ये वाला बिट, लास्ट वाले बिट से, ठीक है ना, मतलब आपके जो लेफ्ट मोस्ट बिट होगा वहां से, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ओके ना। तो MSB से जब भी कैरी जनरेट होगा, उस टाइम पे कैरी फ्लैग क्या होगा, सेट हो जाएगा। तो CY इक्वल्स टू 1 कब, जब एक्यूमुलेटर जो है, ठीक है ना, एक्यूमुलेटर के कंटेंट में क्या हो रहा होगा कि जो एक्यूमुलेटर का जो रिजल्ट होगा, MSB जो है ना, MSP CY इक्वल टू 1 कब होगा, जब MSB विल जेनरेट कैरी, ठीक है ना। ये एक्यूमुलेटर हटा दो, एक्यूमुलेटर का भी तो वो नहीं है, ठीक है ना। MSB विल, जब भी MSB क्या करेगा, कैरी जेनरेट करेगा, इन दैट केस कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज क्या होगा, अगर सपोज करो कैरी जनरेट नहीं होगा तो क्या होगा, 0 हो रहा होगा, ठीक है। तो समझ में आया, इफ द अरिथमेटिक या लॉजिक ऑपरेशन पासेस कैरी फ्रॉम MSB, ठीक है ना, ध्यान रखना, पासेस कैरी फ्रॉम MSB, इन दैट केस जो कैरी फ्लैग होगा वो 1 हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि सपोज करो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, जैसे मान लो एक नंबर है 1011, फिर 0010, और उसको सब उसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप, 0111, फिर 0010 कर रहे हो, ऐसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, ऐसे। अब इन दैट केस क्या होगा, आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, देखो इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक ये वेट, इसको अगर सपोज करो आपने कि सॉरी, इसको सपोज करो, अगर हम मान लो कि इन दो नंबर्स को ऐड करें, हम सपोज करो अभी के लिए एग्जांपल ले रहे हैं, ये हमारा एक नंबर है, ये वाला नंबर है, दूसरा ये वाला है, इन दोनों को अगर ऐड करें तो क्या आएगा, ये 0 आएगा। 1 1 कितना होता है, 0 होता है, और कैरी यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 0, फिर देखो 1 1 कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, 1 1 0, और कैरी यहाँ पे 1 आ जाएगा, अभी 3 times 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, आएगा ना। फिर क्या होगा कि एक कैरी यहाँ पे आ जाएगा, 1 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर एक कैरी यहाँ पे आ गया तो 1 1 0, फिर एक कैरी बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अगर ऑपरेशन हो रहा होगा तो कैरी फ्लैग सिंपली क्या हो जाएगा, 1 तो हो ही जाएगा। लेकिन अगर सपोज करो कि आपको सब्ट्रैक्शन करना है, वेट, आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है ना,
सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, सपोज करो ए माइनस बी आपको करना था, ध्यान रखो कि ए माइनस बी करोगे तो रिजल्ट कहाँ सेव होगा, ए में ही सेव होगा, ठीक है। ये इसको ऐसे हम लोग क्यों लिखते हैं, एरो बैक एरो बना क्यों लिखते हैं, हम लोग बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे सब्ट्रैक्शन करना है, ए माइनस बी करना है, रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा, ए में ऑपरेशन स्टोर होगा। इन दैट केस ऑल्सो अगर लास्ट वाला बिट कौन सा, एम एस बी, ठीक है ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर बोरो जनरेट कर रहा है, बोरो, ठीक है ना, इन दैट केस ऑल्सो सी वाई फ्लैग क्या होगा, सेट हो जाएगा, याद रख लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग प्रोग्राम करेंगे ना, तब हम एक वन बाई वन इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो हमने क्या अभी तक देखा, हमने देखा फ्लैग, फ्लैग क्या करता है, किसके स्टेटस को इंडिकेट करता है, एक्यूमुलेटर के स्टेटस को इंडिकेट करता है। कितने टाइप्स के फ्लैग होते हैं, फाइव टाइप्स के फ्लैग होते हैं, ठीक है ना। फ्लैग रजिस्टर कितने साइज का होता है, 8085 का, 8 बिट का होता है, उसमें से 5 बिट यूज हो रहे होते हैं, वही फाइव टाइप के फ्लैग्स होते हैं, ठीक है। वो फ्लैग क्या इंडिकेट कर रहे होते हैं, स्टेटस ऑफ एक्यूमुलेटर, ठीक है ना। कौन कौन से फ्लैग होते हैं, एस जेड ए सी पी सी वाई, ठीक है ना, कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्लेस्ड होते हैं एस जेड ए सी पी सी वाई, ठीक है ना। आपको याद होगा यहाँ पे एस था, फिर उसके बाद जेड था, फिर क्रॉस था, फिर ए सी था, फिर क्रॉस था, फिर पी था, फिर क्रॉस था, फिर सी वाई था, ये आपको याद होना चाहिए। नहीं याद हो रहा है तो मैंने ट्रिक बताया, क्या ये ट्रिक बताया, डी फाइव, ठीक है। अब डी फाइव नहीं याद हो रहा है तो मैं कैसे बताऊँ उसको, ठीक है। किसी का नाम डी एस से होगा ना, इसको याद कर लेना, डी एस, एस का मतलब फाइव एज्यूम कर लेना, डी एस कुछ हो ना, हमारे दुश्मन दोस्त जिसका भी नाम हो, डी एस कुछ तो होगा ही, दिनेश शर्मा, दीप्ति शर्मा, ऐसे कुछ होगा, दीप्ति श्रीवास्तव, जो कुछ भी हो, दुश्मन, दुश्मन का नाम याद करना है, बहुत याद रहता है जल्दी से, ठीक है। किसी दुश्मन का नाम याद कर लेना, डी एस, एस का मतलब एज्यूम कर लेना, एस का मतलब एस फाइव जैसा दिखता है ना, कहोगे क्या मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बट याद करने के लिए तिगड़मबाजी है, ये अपने तरफ से देख लेना, ओके। तो आप क्या याद होना चाहिए, एस जेड ए सी पी सी वाई पूरा एकदम क्लियरली याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ में यहाँ तक हम लोग फ्लैग देख चुके हैं, ठीक है। तो आगे टर्न पे ना, क्योंकि यार बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, मैं तो सोच रहा हूँ कि अभी कर दूँ खत्म, लेकिन ये बड़ा लेक्चर हो जाएगा, तुम लोग देखते हो नहीं, ठीक है, तो इसलिए हम अभी यहीं पे लेक्चर एंड करते हैं। अच्छा एक एक चीज़, हाँ इसमें देख लेते हैं कि हमने जो देखो हमने जो कैटेगराइजेशन किया था, कौन सा कैटेगराइजेशन, ये देखो रजिस्टर्स का, तो जो हमने रजिस्टर कैटेगराइजेशन किया था ना, बी सी डी ई एच एल, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये 8 बिट डेटा को होल्ड करने के लिए है, ठीक है ना। देखोगे ना, जब भी मैं यूज कर रहा हूँ ना, तो यही रजिस्टर्स यूज कर रहा हूँ। जैसे देखो एक्यूमुलेटर के साथ ए क्या इंडिकेट कर रहा है, एक्यूमुलेटर कर रहा है, बी क्या इंडिकेट कर रहा है, यही आपके जी पी आर एस वाले, जी पी आर एस वाले रजिस्टर्स, ठीक है ना, जनरल पर्पज रजिस्टर्स इंडिकेट कर रहा है। तो जब भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे ना, तो ये आपके जो भी 8 बिट के रजिस्टर्स हैं, देखो ये वाला डायग्राम, इसमें देखो जो जनरल पर्पज रजिस्टर्स हैं ना, ये वाले हैं, बी है, सी है, डी है, ई है, एच है, एल है। अब देखो क्या है कि ये दोनों रजिस्टर्स ना आपस में मिल सकते हैं, तो मिल के क्या बनाएंगे, बी सी रजिस्टर पेयर, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बी सी रजिस्टर पेयर। ऐसे डी और ई आपस में मिल सकते हैं, तो डी रजिस्टर पेयर बन जाएगा, ठीक है। एच और एल आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, एच एल रजिस्टर पेयर बन जाएगा, ठीक है। अब ये आप ज्यादा होशियार बन के ये मत कर देना कि बी और डी को मिला दिया, ऐसे नहीं, ये आपके जो मैचिंग हो रही है कैसे हो रही है, हॉरिजेंटल मिक्सिंग हो रही है, ठीक है। नहीं नहीं कि पता चला कि आप ज्यादा खुश हो गए, बी और डी को मिला दिया, नहीं, आपका रजिस्टर पेयर हमेशा क्या बनेगा, बी सी बनेगा, या फिर डी बनेगा, या फिर एच एल बनेगा, ध्यान रखना। तो जब बी सी बनेगा तो कितने बिट का हो जाएगा, 16 बिट का, 8 बिट इसका, 8 बिट इसका, ठीक है ना। तो कितने बिट का, 16, डी भी 16, एच एल भी 16। तो पूछा जाएगा कितने रजिस्टर पेयर होते हैं 8085 में, तो 3 रजिस्टर पेयर होते हैं, कौन कौन से, बी सी डी एच एल, कैसे बने हैं, बी सी को कंबाइन करके, बी और सी को, बी कितने बिट का, 8 बिट का, सी 8 बिट का है, ठीक है ना। तो जितने भी जनरल पर्पज रजिस्टर हैं वो आपके कंबाइंड होके क्या बनाते हैं, रजिस्टर पेयर बनाते हैं। तो आपका बी सी रजिस्टर पेयर बनेगा, डी रजिस्टर पेयर बनेगा, एच एल रजिस्टर पेयर बनेगा, ठीक है। तो 3 रजिस्टर पेयर है, इसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में करेंगे, ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, इसमें आपके हमने एएलयू डिस्कस कर लिया, एक्यूमुलेटर डिस्कस कर लिया, फ्लैग डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो होगा ना, वो आपका स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, ठीक है, फिर ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है, ये सारा चीज़ें हम लोग वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे, ओके। देखो अब इसमें असाइनमेंट मैं दे दे रहा हूँ ना, क्योंकि देखो मैं बाहर से असाइनमेंट देखता हूँ तो तुम लोग देखते ही नहीं हो लेक्चर, ठीक है। तो अब असाइनमेंट मैं क्या दे रहा हूँ, देखो अब असाइनमेंट का क्वेश्चन, अब ना इसको किसी को शेयर मत कर देना कि ये सर ने लास्ट में दिया था असाइनमेंट, उनको एटलीस्ट देखने देना यार वीडियो, ठीक है, कुछ तो समझ में आएगा, इतना मेहनत करना पड़ रहा है, रात में बैठ के रिकॉर्ड करना पड़ता है, ठीक है। तो
आप इसको ना किसी और को डायरेक्ट क्वेश्चन ना शेयर करना, उनको वीडियो एटलीस्ट वीडियो देखने देना, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते नहीं हो। सेकंड ईयर वाले तो फिर भी दो चार वीडियो देख लेते हैं, आप लोग बिल्कुल भी वीडियो नहीं देखते हो। ठीक है, मेरा काम तो यही है ना, मैं ऐसा थोड़ी कि मैं यूट्यूब पे पैसे कमाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मेरा काम यह है कि मैं जो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको कन्वे हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, दैट्स इट। हमको सरकार हम हमको ऑलरेडी सैलरी मिलती है इसके लिए। ठीक है, तो देखो असाइनमेंट में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको क्या करना है कि सपोज करा एक रजिस्टर है ए, इसका कंटेंट है हमारा B3H। ठीक है, और एक रजिस्टर है बी, उसका कंटेंट है हमारा 32H। ठीक है ना, 32H, और बी ए और बी जो है किसमें है, हेक्साडेसिमल में है, आपको पता होगा। आपको क्या करना है, ए प्लस बी करना है, और उसके बाद ए प्लस बी जो है एक किसमें सेव होगा, ए में सेव होगा। अब जो है इसके अकॉर्डिंग क्या बताना है, फ्लैग स्टेटस बताना है। फ्लैग स्टेटस मतलब, फ्लैग स्टेटस का मतलब क्या, आपको बताना है एस फ्लैग क्या है, जेड एस जेड क्या है, ए सी क्या स्टेटस क्या है, पी क्या स्टेटस है, सी क्या स्टेटस है, सी वाई का क्या है। ठीक है, मतलब साइन फ्लैग की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो फ्लैग की कितनी आएगी, ऑक्सिलरी कैरी की कितनी आएगी, पैरिटी कितनी आएगी, कैरी फ्लैग की कितनी आएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन सेम चीज यही निकालना है, अगर ए की वैल्यू है 90H, बी की वैल्यू है 30H, इन दैट केस ऑल्सो आपको क्या निकालना है, ए प्लस बी के लिए फ्लैग स्टेटस निकालना है, फ्लैग स्टेटस एस जेड ए सी पी सी वाई। तीसरा क्वेश्चन सपोज करा ए की वैल्यू है एफ एफ एच, बी की वैल्यू है एफ एफ एच, इन दैट केस ऑल्सो ए प्लस बी फ्लैग स्टेटस, ठीक है, कौन सा एस जेड ए सी पी सी वाई, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो तीन क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन कर लेना, 30 पॉइंट्स का है, 30 पॉइंट्स। और कहाँ पे पोस्ट करना है आपको, क्लासरूम पे, हम दे दे रहे हैं अभी आपको, क्लासरूम पे इसको डालना है। हम इसे देखना कि असाइनमेंट सेक्शन में डालना, क्योंकि फिर वहाँ पे मार्किंग करने में ईजी होता है। आप उस पर कमेंट करने लगते हो प्राइवेट कमेंट में, फिर वो मुझे दिखता है लेकिन मैं उसको मार्क नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, तो आप क्या करना, हमेशा इसको क्लासरूम पे डालना। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव एन ऑसम डे, ओके, टाटा बाय बाय।